अब हम बात करेंगे स्टैटिक रोड पे। स्टैटिक रोड जो होता है वो मैनुअल पाथ सिलेक्शन होती है। ये छोटे नेटवर्क्स में ज्यादातर यूज होता है और ये काफी सिक्योर होता है। ये हैकर इसको हैक भी नहीं कर सकता इतनी जल्दी, क्योंकि ये मैनुअली असाइन होता है सारा पाथ। तो चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दो राउटर चाहिए, उसके बाद मुझे दो स्विच चाहिए, और पर नेटवर्क मुझे दो पीसेस चाहिए। अब इनको कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर। पहले हम एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करते थे, आज हम सीखेंगे कि दो नेटवर्क्स के दरमियान कैसे कम्युनिकेशन होती है। और जब दो नेटवर्क्स कम्युनिकेशन करते हैं तो इनके दरमियान राउटर होता है जरूर। सबसे पहले आईपी साइन कर लेते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.2 और इसका गेटवे दे देते हैं। गेटवे आप इस तरह समझ ले कि एक घर होता है, घर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर गेट होता है जहां से सारे लोग जाते हैं। और नेटवर्किंग के अंदर हमें गेट डिसाइड करना पड़ता है कि कहां से ट्रैफिक हमारी इन हो और आउट हो, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। उसको आईपी भी असाइन करना पड़ता है और वो पर्टिकुलर होता है, उसका खास आईपी एड्रेस होता है, वो किसी का आईपी एड्रेस नहीं होता। तो इसका हम आईपी असाइन करते हैं 192.168.10.1। तो फिर सारे नेटवर्क के लिए यही गेटवे होगा, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन इसका 192.168.10.3 और उसका गेटवे क्या होगा 192.168.10.1। हमारा जो ये नेटवर्क होगा 192.168.10.0 होगा। इस पूरे के अंदर ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। और हमारा जो गेटवे होगा जो हमने डिसाइड किया वो ये आईपी था, और हमने इस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को आईपी एड्रेस ये असाइन करना। अब इस नेटवर्क में आते हैं तो इधर जो हमारा नेटवर्क होगा वो 192.168.20.0 होगा, और जो हमारा ये वाला गेटवे होगा इधर भी हमें गेटवे डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो सा 20.1 होगा। अब इसको भी आईपी असाइन करते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.20.2 और उसका गेटवे क्या होगा 192.168.20.1। इसको भी आईपी साइन करते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.20.3 192.168.20.1 ये इसका गेटवे होगा। ये एक नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ये भी पोर्ट्स हैं, ये सीरियल का इंटरफेस है, ये दो सीरियल के इंटरफेस है। इनको भी आईपी की जरूरत है, इनको भी आईपी असाइन करना है, तो इसके अंदर भी हम आईपी असाइन करेंगे। तो इसके अंदर जो हम नेटवर्क यूज करेंगे वो हम 10 का नेटवर्क यूज कर लेते हैं, 10.0.0.0 ये इसके अंदर नेटवर्क चलेगा। इस पोर्ट में हम असाइन करेंगे 10.0.0.1 इस पोर्ट में हम असाइन करेंगे 10.0.0.2 ये मैंने लेबल कर दिया कि मैंने कौन सा आईपी किसको असाइन करना है। तो सबसे पहले इस राउटर पे चलते हैं, सीएलआई। सबसे पहले बेसिक काम करना है कि बेसिक काम जो राउटिंग के अंदर होता है वो आपने सीखना है कि बेसिक काम क्या है। सबसे पहले नो एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम रख लेते हैं हम GRW। सबसे पहले आपने आईपी असाइन करना है किसको, जो हमने गेटवे डिसाइड किया है, जो हमने गेटवे डिक्लेयर किया है उसको आईपी असाइन करना है। यहां पे हमारा जो गेटवे होगा फास्ट इथरनेट 0/0 होगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, उसका आईपी क्या होगा, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 आगे उसका सबनेट मास्क।
उसके बाद लिंक अप करना होता है, नो शट डाउन करके लिंक अप हो जाता है। अब इसको एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद ये फास्ट ईथरनेट का इंटरफेस जो है हमने डिसाइड किया था, जो हमारा गेटवे था उसको असाइन कर दिया। अब सीरियल के इंटरफेस को आईपी असाइन करना है, तो उसके लिए इंटरफेस सीरियल 0/0, इसका आईपी एड्रेस क्या रखा था हमने, आईपी एड्रेस 10.0.0.1, आगे उसका सबनेट मास्क क्योंकि ये क्लास एक एड्रेस है, इसका भी लिंक अप कर लेते हैं, नो शट डाउन करके लिंक अप कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और नोट करने वाली चीज है, यहाँ पे एक क्लॉक बनी है, यहाँ पे आप उसको क्लॉक रेट दे दें या इसको बैंडविड्थ दे दें। अगर आपने क्लॉक रेट देना तो वो 64,000 देना पड़ेगा आपको, अगर आपने बैंडविड्थ देना है आपको सिर्फ 65 देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल बैंडविड्थ देता हूँ 64, जहां पे क्लॉक बनी होगी वहां पे ही आपको बैंडविड्थ या क्लॉक रेट देना पड़ेगा। आप इसको एग्जिट कर लेते हैं। आप इस राउटर पे चलते हैं, सेम वही काम करना है जो हमने वहां पे किया था, नो अनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, होस्ट नेम रख लेते हैं हम, होस्ट नेम रख लेते हैं लाहौर LH4। सबसे पहले लिंक अप करना है जो हमारा गेटवे था, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, इसका आईपी एड्रेस क्या था, आईपी एड्रेस क्या था इसका 192.168.20.1, आगे उसका सबनेट मास्क और नो शट डाउन करके लिंक अप, एग्जिट कर लेते हैं। अब इस जो सीरियल का इंटरफेस है इसको आईपी साइन करते हैं और इसका लिंक अप करते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.2, आगे उसका सबनेट मास्क, नो शट डाउन करके लिंक अप होगा। अब इसको एग्जिट कर लेते हैं। और यहां पे हमें बैंडविड्थ या क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे घड़ी नहीं बनी है, जहां पे बनी होगी सिर्फ वहां पे ही देना पड़ेगा हमें। आप ये देखें, ये सारी पोर्ट्स जो थी सीरियल की थी और ये फास्ट इथरनेट की थी वो सब ग्रीन हो गई है। यहां पे देखें, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, सब ग्रीन हो गई है। यहां तक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है राउटिंग की। जब भी आप राउटिंग करेंगे ये आपको बेसिक काम करना पड़ेगा जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है। अब हमने मैनुअल रूट डिसाइड करना है कि इस राउटर को इसकी इंफॉर्मेशन देनी है इसके रूट की और इस राउटर को इस रूट की इंफॉर्मेशन देनी है। वो कैसे देंगे, सबसे पहले मैं आपको इस राउटर का जो हमने ओपन किया हुआ है रूट चेक करवा देता हूं। तो उसके लिए डू शो आईपी राउट, ये देखें इस राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो 10 का नेटवर्क है और ये देखिए 192.168.20.0, ठीक है, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस राउटर को इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, वो कैसे देनी है, आपने आईपी राउट की कमांड लिखनी है और उसके बाद जो इस राउटर का नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी पता आपको 0 से स्टार्ट होती है अगर आपने सबनेटिंग नहीं की, तो इसका जो नेटवर्क है वो आपने देना है 192.168.10.0, आगे उसका सबनेट मास्क और उसको बताना है कि ये वाया कौन से नेटवर्क से ये कम्युनिकेशन हमारे साथ कर रहा है। हमारे साथ कम्युनिकेशन ये 10 के नेटवर्क से कर रहा है और उसका जो सीरियल का इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस आपने यहां पे लिखना है 10.0.0.1 और यहां पे आपने एंटर कर देना। उसके बाद अगेन चेक करें, डू शो आईपी राउट। अब देखें इसके साथ इसके राउटिंग टेबल में ये सार वाला जो नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन भी आ गई है 192.168.10.0 वाया इसके साथ ये हमारे साथ कनेक्ट है, इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। सेम यही काम हमें उस राउटर के अंदर भी करना पड़ेगा ताकि इस राउटर की इंफॉर्मेशन या इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाए। अब इस राउटर को ओपन करते हैं, ये देखें पहले मैं आपको चेक करवाता हूं, डू शो आईपी राउट, ये देखें ये सिर्फ अपने इंटायर नेटवर्क जो इसका है उसकी इंफॉर्मेशन है इसके राउटिंग टेबल में, साथ वाला जो राउटर है उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए आईपी राउट है उसकी कमांड, उसके बाद जो साथ वाला राउटर है उसका जो नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है 192.168.20.0, आगे उसका सबनेट मास्क क्योंकि हमने सबनेटिंग नहीं की, और उसके बाद उसका जो
सीएल का इंटरफेस है उसका आईपी देना है 10.0.0.2। अगेन राउटिंग टेबल चेक करें, डू शो आईपी राउट। अब देखें इसके पास भी साथ वाले राउटर की इंफॉर्मेशन आ गई है, ये देखें 192.168.20.0 और ये वाया कौन से नेटवर्क के साथ इसका कनेक्शन है, ये वाला आईपी है। इस तरह दो डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमें मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि हम स्टैटिक राउट कर रहे हैं। अब यहां पे चेक करते हैं कि ये वाकई कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, पिंग की कमांड लिखनी है और साथ वाले नेटवर्क का होस्ट का कोई भी आईपी एड्रेस दे दें। हमने क्या आईपी एड्रेस रखा था, 192.168.20.2 था, एक का 2 था, 1 का 3 था, तो मैं 2 के साथ कनेक्शन बना के देखता हूं ये बनता है कि नहीं। पहला पैकेट फेल होता है, अब ये देखें रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है हमारी सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो गई है। हमने जो अभी किया काम वो स्टैटिक राउट किया, ये मैनुअली एंट्री होती है रूट की और ये छोटे नेटवर्क्स में ये रूट चलता है और ये काफी सिक्योर भी होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।